भोपाल में पर्यटन विभाग ने ओरछा की बेतवा नदी में अति वर्षा के दौरान फंसे लोगों को बचाने वाले लोगों को अदम्य साहस पुरस्कार दिया। पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने इसके साथ पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले कई लोगों को भी सम्मानित किया। ओरछा स्थित इकाई के प्रभारी संजय मल्होत्रा द्वारा रात में ही अपनी 7 सदस्यीय टीम के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई थी। इसके साथ ही पर्यटन विभाग में कई कर्मचारियों ने वर्ष भर अच्छा काम किया, उन्हें भी आज पुरस्कार दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रही है, हम अपने डिपार्टमेंट के जो साथी लोग हैं, जो ऑफिसर्स लोग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, उनको हम टूरिज्म परिवार मानते हैं और टूरिज्म को कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमको और ऊंचाइयों पर ले जाना है। कहीं ना कहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारी स्टेट की इमेज को रिफ्लेक्ट करता है और एज अ टीम हम लोग काम करके टूरिज्म को और ऊंचाइयां पहुंचाने का पूरे प्रयासरत हैं और आगे भी और करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।